नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप भी शनि देव के भक्त हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में ये लक्षण दिखाई दें तो न्याय के देवता भगवान शनि देव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर शनि देव की कृपा आपके ऊपर एक बार बन गई तो जीवन में हर काम बनता चला जाएगा, ये बात सत्य है। क्योंकि देखिए, तुला राशि शनि देव की सबसे प्रिय राशि है और आपको कर्म के हिसाब से ही शनि देव इसका फल देते हैं। मित्रों, तुला राशि जीवन भर हमेशा संघर्ष करते आए हैं, हमेशा परिश्रम करे हैं, बेहद परिश्रम करने के बावजूद भी इसका परिणाम आपको नहीं मिल पाया, आपको जीवन में वो सफलता नहीं मिल पाई है जो कि आपको मिलनी चाहिए। मित्रों, अगर आपको एक बार आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आप जान जाएंगे किस तरह से आपको सफलता मिलेगी और किस तरह से आप बुलंदियों को छू सकते हैं जिनके बारे में आप सपने देखा करते हैं। आपको यदि छोटी सी भी कोई वस्तु मिली है तो वो आपके अपने परिश्रम के बल पर मिली है, आपके अपने बल पर मिली है। तो मित्रों, इस वीडियो में हम यहाँ बताने वाले हैं, क्योंकि देखिए, तुला राशि शनि की सबसे प्रिय राशि है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शनि देव इस राशि के स्वामी हैं। तो यदि आपकी भी राशि तुला है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। मित्रों, साथ में अगर आप तुला राशि के हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन है, इसको दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको तुला राशि की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। साथ ही आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी, मित्रों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपको एक सेकंड से कम का समय लगेगा इस वीडियो पर एक लाइक करने में, जबकि ये जानकारी आप तक पहुंचाने में हमें बहुत अधिक समय लग जाता है। तो अपने कीमती समय से एक सेकंड का समय निकाल कर इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। चलिए आपको बता दें, इस संसार में क्रूर देवता और सबसे ज़्यादा मेहरबान होने वाला अगर कोई देवता कोई ग्रह है तो वो भगवान शनि देव हैं। दोस्तों, हर ग्रह हमारी कुंडली में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित करता है तो वो हैं भगवान शनि देव। जी हाँ, देखिए कभी कभी क्या होता है, यदि हमारी कुंडली में साढ़े साती लग जाती है या शनि की ढैया लग जाती है तो हम क्या करते हैं, देखिए हम उसका उल्टा कार्य करते हैं। तो हमें अपने जीवन में बहुत तकलीफें बहुत परेशानियां देखने को मिलती हैं, लेकिन कई लोगों के लिए शनि की साढ़े साती लगना उनके जीवन में उनको ऊंचाइयों पर ले जाने के काम आती है, क्योंकि देखिए वो उसी के अनुसार कार्य करते हैं। देखिए, शनि भगवान शनिदेव के प्रभाव से घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है। शनिदेव का जब नाम हमारे मन मस्तिष्क में आता है तो हम घबराते हैं, मगर यहाँ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव तो स्वयं भक्तों के प्रिय देवता माने जाते हैं, उनके कष्टों को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। और देखिए, जो जातक इनकी पूजा पाठ कर लेते हैं तो देखिए उनके जीवन में आ रही हर परेशानी हर बाधा और हर बड़ी समस्या दूर हो जाती है और यहाँ व्यक्ति से ये प्रसन्न भी रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके ऊपर शनिदेव मेहरबान होते हैं और अगर वो आपके जीवन में ये संकेत दे दें तो आप समझ जाएं कि शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके ऊपर शनि का प्रभाव अच्छा पड़ता है, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके ऊपर शनि का प्रभाव बुरा पड़ता है, हमेशा मेहरबान रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जो हमेशा सच बोलने वाला और न्याय करने वाला होगा, उसके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष मेहरबानी हमेशा बनी रहेगी। जी हाँ, हालाँकि वो व्यक्ति अपने जीवन में शुरुआत में थोड़ा फेल होगा और लोग उसका मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन देखिए यदि इसके ऊपर शनिदेव मेहरबान हो जाएं तो बाद में उनका इतना सम्मान होता है, समाज में नई बुलंदियां ऊंची ऊंची बुलंदियां ये छूते हैं जिसकी इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी।
ये कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं। और देखिए दूसरा जो तुला राशि के जातक में लक्षण होते हैं कि शनि देव की जिनके ऊपर कृपा होती है, तो ये व्यक्ति शरीर से थोड़े दुबले पतले होते हैं, लेकिन मानसिक तौर से देखें तो ये व्यक्ति बहुत ही मजबूत होते हैं, इतने चतुर होते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ये अपनी चतुराई के माध्यम से हर चीज़ पर राज करते हैं और लोग इनसे ज्ञान भी लेने आते हैं। दोस्तों वो शनिदेव के भक्त होते हैं और शनिदेव की कृपा ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहती है जो सच्चाई के ऊपर चलते हैं, सत्य के ऊपर चलते हैं। और देखिए यदि महिलाओं की बात करें तो तुला राशि की ऐसी महिलाएं जो सुंदर सुशील और घर बनाने वाली और पूजा पाठ करने वाली महिलाओं पर विशेष तौर से शनि देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। लेकिन देखिए जो महिलाएं सच्चाई का साथ झूठ के लिए देती हैं तो ऐसी महिलाओं से भगवान शनि कभी प्रसन्न नहीं रहते। साथ ही देखिए अपने कार्य क्षेत्र में जो व्यक्ति सबसे आगे होते हैं और इनका कार्य काफी आसानी से संपन्न हो जाता है, और देखिए ऐसे ईमानदार व्यक्ति जिनका समाज में भी मान सम्मान बना रहता है, हर कोई देखकर इनकी इज्जत करना चाहता है, तो देखिए भगवान शनिदेव ऐसे लोगों के ऊपर विशेष रूप से अपनी कृपा बनाकर रखते हैं, इनसे प्रसन्न रहते हैं। और देखिए यहीं पर सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो शनिदेव का एक और लक्षण ऐसे लोगों में देखने को मिलता है कि जो जातक सदैव भगवान शनिदेव की सच्चे मन से भक्ति करता है, तो शनिदेव की उपासना करता है या शनिदेव से संबंधित चीज़ों का दान पुण्य करता हो, और जब उसे सुबह उठते ही एक नई एनर्जी का अनुभव होता है तो वो रात को जो सपने देखता है उसके जीवन में यदि वैसी ही घटित हो जाए तो उसके ऊपर भी भगवान शनिदेव की कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए यदि आप ऐसा सपना रात में देखते हैं और वही सपने वाली घटना आपके साथ हो जाती है तो भगवान शनिदेव खुद उस व्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं कि उसे अपने जीवन में क्या करना है। तो दोस्तों ये ऐसे व्यक्ति होती हैं जिनके ऊपर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। वैसे तो देखिए हर व्यक्ति चाहे तो शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकता है, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है। अगर आप भी शनिदेव की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, शनिदेव का अच्छा प्रभाव आपके ऊपर देखना चाहते हैं, तो देखिए आपको शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के मंदिर जाना है और वहां पर सच्चे दिल से शनिदेव को याद करना है। और किसी काले कुत्ते की यदि काले कुत्ते को आप रोटी खिला देते हैं या फिर आप भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर मात्र तेल अर्पित कर देते हैं तो देखिए ऐसे लोगों के ऊपर शनिदेव की कृपा विशेष रूप से देखने को मिलेगी। मित्रों काले कुत्ते की सेवा हमेशा यदि आप रात के समय करेंगे तो देखिए ये उपाय बेहद चमत्कारी रहेगा। आप काले कुत्ते की सेवा रात के समय ही करें शनिदेव मंदिर में जाकर। देखिए दूसरा एक और उपाय मैं आपको बता देता हूँ, शनिदेव के मंदिर में शनिवार के दिन जाएं और वहां पर एक झाड़ू चुपचाप रखकर आ जाएं। आपको क्या करना है देखिए विस्तार से मैं आपको ये उपाय बता देता हूँ। आपको एक झाड़ू खरीदनी है, शनिवार के दिन आपको प्रातःकाल उठकर सुबह सवेरे उठकर शनिदेव के मंदिर जाना है। मंदिर जाते समय आपको कोई देखे ना, इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। झाड़ू ले जाकर शनिदेव के मंदिर में आपको रखनी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, भगवान शनिदेव को सच्चे मन से याद करें। इसके बाद वो झाड़ू मंदिर में ही छोड़कर आप अपने घर वापस चुपचाप चले आएं। याद रखिएगा इस कार्य को करते समय आपको बाकी कोई दूसरा कार्य नहीं करना है, आपको सीधे मंदिर जाना है। ये झाड़ू मंदिर में रखने के बाद आपको वापस लौटकर अपने घर आना है। मित्रों तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव के मंदिर में झाड़ू का दान करना एक बहुत ही विशेष उपाय है। इसका असर आपके ऊपर चमत्कारी रूप से आप देख सकते हैं। जीवन में आप इस उपाय को जरूर करा करें। मित्रों वर्ष में एक बार आप झाड़ू का दान शनिदेव के मंदिर में जरूर किया करें। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। बहुत ही पावरफुल ये उपाय मैंने आपको बताया है। इसके अलावा देखिए आप काले कुत्ते की सेवा रात के समय कर सकते हैं। यदि आप मछलियों को चारा डालें तो ये भी बहुत पावरफुल उपाय है। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए, परिंदों के लिए दाने पानी का प्रबंध भी आप कर सकते हैं। मित्रों देखिए जीवन में ये उपाय आपको, तुला राशि की हम बात कर रहे हैं, तुला राशि को जीवन में नई ऊंचाइयां छूने के लिए ये उपाय बहुत पावरफुल हैं। देखिए ये उपाय करने से क्या होगा, समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी इज्जत होगी, आपको आर्थिक लाभ होंगे। जिन कामों में आपको सफलता नहीं मिल पाती या फिर जिन कामों में सफलता आपके हाथ आते आते निकल जाती है, देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें सफलता हमारे हाथ में आकर ही आखिरी मौके पर आकर हमारे हाथों से फिसल जाती है, तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा। आपको आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा साथ मिलेगा।
मित्रों इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक बंताला आप मंदिर में रख कर आ सकते हैं। ये उपाय जरूरी नहीं है आप शनिदेव के ही मंदिर में रखें, किसी भी मंदिर में या यदि आप किसी भी धार्मिक स्थान पर ये ताला रख कर आएंगे तो ये उपाय भी बेहद असरदार है। जिस तरह आप झाड़ू लेकर गए थे, इस तरह आप एक बंताला खरीदें। खरीदते समय इस ताले को बिल्कुल ना खोलें। याद रखिएगा, दुकानदार को भी ये ताला जांचने के लिए ना खोलने दें। आप इसी तरह से ये बंताला किसी भी धार्मिक स्थान पर रखें और वहां से चुपचाप वापस लौट आएं। तो मित्रों, जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनि देव लिखना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।